राम जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू। आज आपके तीन फिल्मों का मुहूर्त हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और साथ में माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग आज तीन फिल्मों का मुहूर्त यहाँ पे किया। सोनभद्र में वैष्णो माता के मंदिर में हमने मुहूर्त किया और बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग एक बार फिर से एक बार इकट्ठा हुए पूरी टीम के साथ में और चाहते हैं कि कुछ अच्छा हम लोग किया जाए। मैं जानना चाहूँगा किस तरह की सिनेमा आप ये बनाने के प्रयास कर रहे हैं? ये जो हमारी तीन जो फिल्में हैं, एक तो है फिल्म तिलकारू जो कि साइलेंट तिलकारू फिल्म है जो कि बहुत ही अच्छी फैमिली ड्रामा है और टाइटल से कहीं कहीं आपको अनुमान लग रहा होगी काफ़ी इसमें एक तो फैमिली को और साथ में जो समाज में बहुत ज़्यादा जो कि दहेज को लेकर के और समाज में बहुत ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं, जिनको एक हम माध्यम चाहते कि इसके माध्यम से हम लोगों को एक संदेश दें क्या कि तिलकारू है तो तिलक से लेकर के बहुत चीज़ें समस्या आती है, समस्या को हम दिखाना चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे इस फिल्म में और कौन कौन से लोग जुड़े हैं, जरा परिचय कराएं। हमारे साथ में जुड़े हैं अरुण दुबे जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और रमेश भाई हैं साथ में, हमारे साथ में भी जुड़े हैं। प्रिंस जी, आपकी तीन फिल्मों का मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे इस शहर के लिए? सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है, कह रहा है कि आज आप देख सकते हैं कितना खुश हूँ मैं आज, और इससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि आज वैष्णो देवी मंदिर, इसके पहले हम लोगों ने एक फिल्म की आरजू जिनका डायरेक्टर ही थे राम पटेल जी, यही जगह पर शुरू हुई है और इसी जगह पर माता रानी से मैं अपना सर माथा टेका था और बोला था कि फिर कब बुलाओगे माँ, और देखिए आज फिल्मों का मतलब फैला लेकर मुझे यहाँ बुला ली, तो तीन फिल्म माँ ने मुझे एक साथ यहाँ पर दिया और बहुत अच्छी फिल्म है और यहीं पर शूट करेंगे हम। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूँ और ये फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्म है और हम एक ग्रुप में फिल्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे छोटे भाई डायरेक्टर राम पटेल जी हैं, रमेश भाई हैं, प्रेम मेरा छोटा भाई बोलिए या बच्चा बोलिए है, तो हम लोग ने कई फिल्में किए हैं और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, पारिवारिक फिल्म है और माता वैष्णो देवी के दरबार में शूट करने वाले हैं हम लोग, यहाँ भी शूट करेंगे, उपरा में करेंगे, सोनभद्र में करेंगे। रमेश जी, आपका शहर है, आप फिल्म की शूटिंग करवा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या भूमिका है सिनेमा में आपका? बहुत अच्छा लगा जो हमारे सोनभद्र में मुंबई से चल के आई है और इतनी बड़ी फिल्म लेके आए हैं, हमारी टीम है सभी, अब नाम तो सबको वाकिफ है सब लोग, नाम बताना उचित तो नहीं है, सब जाने हैं, लेकिन यह है कि मुंबई से इतनी बड़ी बड़ी टीम हमारे पास आ रही है, एक नहीं तीन तीन फिल्म, जो एक फिल्म के लिए तरसते हैं यहाँ तीन तीन फिल्म लेके आए हैं यहाँ पे, और हम लोग पूरा सब एक टीम सहयोग से ये पूरी करेंगे, हम लोग पूरे सोनभद्र में मिर्ज़ापुर में जो भी लोकेशन हमको दिखेगा लॉक होगा उसके हिसाब से हम लोग शूट करेंगे, और पूरे टीम को बहुत बड़ी बधाई कि मेरे भरोसा करके इतनी बड़ी फिल्म लेके आए हैं और हम लोग इससे बड़ा क्या कर सकते। और यहाँ पे हम लोग रमेश भाई के उसमें छत्र छाया में पूरा फिल्म बनाने वाले हैं और तीनों फिल्म के डीओपी जो है हमारे रमेश भाई ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी, और कौन कौन से इस फिल्म में लोकल कलाकार जुड़े, जरा नाम बताएं सबका। प्रमोट करेंगे हम हमारे लोकल में इधर क्षेत्र में जो है अभी तो नाम पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल अब हमारे सेकंड रोल के लिए हमारे सतीश सुंदर जी हैं जो इस फिल्म के सेकंड रोल कर रहे हैं फिल्म में। सतीश जी कहाँ हैं? सतीश और भी हैं लोग जिनका नाम चयन नहीं हुआ है, क्लियर कास्टिंग चालू है हम लोग की, अभी दो तीन लोग, एक प्रेम सिंह। सतीश जी, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? सर लोगों को प्रणाम, आज हम ये बड़ी फिल्म मुझे मिली है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सोनभद्र जैसे जगह पे मुझे हीरो का एज ए हीरो रोल मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं अपने रमेश भैया, राम भैया, प्रेम भाई जो हमारे हमारे भैया बड़े भैया हैं, सबका आशीर्वाद मिला है मुझे और मुझे हीरो के रोल के लिए फाइनल किए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेम जी, आपके लिए शहर नया नहीं है, आप एक फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं जी, क्या कुछ खास लगा इस शहर में जरा बताएं? बहुत कुछ खास लगा सर, बहुत अच्छा लगा इस शहर में, बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी बात है कि माता रानी के दरबार में हम लोग शूटिंग करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म के शूटिंग कोरोना काल में शूटिंग शुरू होने वाला है, क्या कुछ सावधानियां बरतने वाले हैं आप लोग? बहुत कुछ सावधानियां बरतना है हमारे प्रोड्यूसर साहब को, हमारे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए काम करेंगे, बहुत बड़ा यूनिट नहीं रखेंगे, एक छोटे यूनिट के हिसाब से काम करेंगे और काम अच्छा होगा। और कौन कौन से कलाकार आपके साथ जुड़े हैं बॉम्बे से? अब बॉम्बे से तो काफ़ी कलाकार हैं, अभी हम लोग का सिलेक्शन चालू है, अभी दो जैसे हमारे हीरो हैं उनको फाइनल हम लोग कर लिए, प्रेम सिंह जी हैं, अतुल सिंह हैं और ये भाई हैं, और दो तीन जो आर्टिस्ट हैं लेडीज आर्टिस्ट उनकी हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट के, जो भी हैं सत्यप्रकाश जी हैं, जे पी सिंह जी हैं,
अभी दो तीन अतुल जी, अतुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सिनेमा के बारे में? नमस्कार, जय श्री राम। मैं अतुल सिंह, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारे तीन फिल्मों का मुहूर्त एक साथ है, जिसमें डायरेक्टर हमारे भैया है रामजी पटेल, और प्रोड्यूसर साहब हमारे यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जे पी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बाप, बहुत स्मार्ट लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया कर्मियों को? अरे मीडिया कर्मियों को तो भाई हम इतनी बधाई, इतना धन्यवाद और इतना आशीर्वाद, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको ऐसे ही साहस, शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे ये आप हम लोगों का हमेशा ये शूट करके जो है और आगे बढ़ाएं, उत्साहित करें। आपके पीछे की खलनायक है, जरा आगे आने दीजिए। हाँ। नहीं तो फिर यहीं पे खलनायकी शुरू हो जाएगी। भैया बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपका लुक आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की आज तीन फिल्मों का मुहूर्त हुआ, क्या कुछ खास है फिल्म में बताएं जरा? तीनों फिल्में बहुत अच्छी हैं, और खास करके इस परिवेश में, जबकि पूरी तरह से चीज़ें बैठी हुई हैं, उस समय इतना बड़ा साहस करना कि तीन फिल्में एक साथ मुहूर्त करना और 100-150 लोगों को यूनिट बना के अपना रोजगार देना, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम मैं मानता हूँ, इस दृष्टि से जब पूरी तरह से इंडस्ट्री बैठी हुई है। दूसरी बात है, ये फिल्में बिल्कुल ही साफ़ सुथरी हैं, और राम पटेल जी को और सर जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। कम से कम आप लोगों ने इतना साहस किया कि बैठी इंडस्ट्री में तीन फिल्मों का मुहूर्त किया, और इतना प्यारा काम है ये, मैं क्या कहूँ आपसे कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब कब से फिर से इंडस्ट्री शुरू हो। भाई बोलनी चाहेंगे और अच्छे से करें। रमेश जी, कब से फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी जरा बताएं दर्शकों को? इसी महीने के 18 तारीख मंथ एंड के आसपास हम लोग इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। और मैं एक चीज़ आप लोग और बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सतप्रकाश भाई हैं, हमारी फिल्म थी जायमन खेसारी को लेकर हमने किया था, उसमें विलन थे सतप्रकाश भाई, और संयोग से मैं मुलाकात नहीं कर पाया था, बाद में हमारी इनकी बहुत सारी बातें होती थी। अच्छा, इनका नाम नाम सतप्रकाश है, एक खलनायक हमेशा झूठ बोलते हैं? झूठ तो नहीं बोलते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद, इसमें हम थे, संजय पांडे जी थे, उसके पहले भी हमारी बहुत सारी फिल्में हैं, छपरा एक्सप्रेस, तेरे नाम, दूजे राजा, काफी अच्छी फिल्में की हैं। राम जी जरा सामने आइए, ये हमारे राम पटेल जी हैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। और कौन कौन सी फिल्म आपकी आ चुकी है अभी? तो मेरी लेटेस्ट में भी बहुत ही अच्छी आप लोगों के बीच में फिल्म आई पंगेबाज, और जो कि काफ़ी एक्शन फिल्म थी, प्रेम जी को लेके मैंने बनाई थी। अभी मेरी अभी 3-4 फिल्में और अभी आने वाली, कंटिन्यू पोस्ट प्रोडक्शन अभी कंप्लीट हो गया है, आरजू आ रही है, सर के साथ मैंने चांदनी में बनाई थी, राधा रंगीला हम लोगों ने किया है, राधा रंगीला है, और इससे इसके बाद भी हमारी कम से 5-6 फिल्में हैं जो कि फ्लोर पे जाने वाली, पोस्ट प्रोडक्शन, कुछ का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और कुछ फिल्मों का प्री प्रोडक्शन चल रहा है। गीत संगीत पे कितना ध्यान दिया आपने? सर गीत संगीत पे तो हम खासतौर से मेरी जितनी भी फिल्में हैं, खासतौर से म्यूजिक और टाइटल, और हम लोग एक और खासियत है कि हम लोग गंदी फिल्में नहीं बनाते कोई भी, हम लोग समाज में जैसे हम लोग भोजपुरी से जुड़े हैं, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग भोजपुरी के लिए अपने लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को बहुत खुशी होती है कि कम से कम उस जो एक जो पड़ाव से जो भोजपुरी जूझ रही है कि यहाँ पे अश्लीलता है, गंदगी है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी फिल्में, हमारी टीम जो भी फिल्में कर रही है, खासतौर से गीत को, और हम लोग जो भी शूटिंग कर रहे हैं गाने, तो कहीं ना कहीं हम समाज को, और अब खासतौर से अपने भोजपुरी समाज को देख करके हम लोग शूट कर रहे हैं। प्रेम जी कुछ कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? बस किरदार तो बोले तो तीनों पिक्चर में मैं कर रहा हूँ, एज अ लीड कर रहा हूँ इस फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है, और बाकी कहानी पर भी कुछ खास चर्चा नहीं है, कुछ दो फिल्मों की चर्चा हुई है कहानी पर, और आजकल में सब फाइनल हो जाएगा तो किरदार के बारे में फिल्म। कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? बस जाते जाते एक चीज़ हाथ जोड़ता हूँ,